ओके सो कुहू मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत वेलकम है आज के इस टॉक में, ठीक है। थैंक यू सो और मच। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज आपके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिल पा रहा है। और जो ये वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से हमारी बहुत सारी ऑडियंस आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और थोड़ा अपने बारे में बताइए। थैंक यू सो मच। मेरा नाम कुहू है। मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल साइंसेज की स्टूडेंट हूँ। आई हैव बीन इन द कॉर्पोरेट इंडस्ट्री फॉर ओवर 15 ईयर्स, और फिर मैंने छोड़ दिया था। और रिसेंटली मेरा स्पिरिचुअलिज्म की तरफ तो बेंट ऑफ माइंड रहा है, बट मैंने रेकी किया, लेकिन मैंने छोड़ दिया बीच में। और फिर ड्यूरिंग कोविड ये चीज और ज्यादा स्ट्रांग होती रही, और फिर मैंने डिसाइड किया कि कुछ सीखना चाहिए, समझना चाहिए। और इंसिडेंटली मैं ऐसे ही नेट पे चेक कर रही थी, और हमारे इंस्टीट्यूट का एक एड था, और मैंने देखा, एंड आई सडनली क्लिक कि मुझे देखना है। और गुरुजी का उस वक्त प्रोग्राम था दशहरे के आसपास, तो हमने वो आई थिंक 1-1.5 घंटे का प्रोग्राम था, हमने ज्वाइन किया। एंड आई रियली लाइक, एंड मुझे कुछ खींचा कि मुझे टैरो ही करना है। सो करंटली अभी मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, और दिस जर्नी हैज बीन वंडरफुल। वेरी नाइस। तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट की वजह से आपने टैरो को ही चूज किया? क्योंकि ऑप्शंस तो बहुत सारे थे, बहुत सारे बिल्कुल कोर्सेज के थे। ऑप्शन थे, बट टैरो ही क्यों, मतलब ऐसा क्यों? आई थिंक मेरे को कुछ ऐसा पुल हुआ, जब सर वो बता रहे थे टैरो कार्ड्स के बारे में, तो सर ने स्क्रीन पे कुछ मेजर अरकाना के कार्ड्स निकाले थे, और वो देख के समथिंग पुल्ड मी टुवर्ड्स इट। और मैंने बोला कि आई टोल्ड माय हस्बैंड कि मेरे को टैरो करना है, तो वो एक अंदर से एक आवाज आई, या भगवान का आशीर्वाद कह सकते हो, आवाज आई, एंड मैंने उसको वो किया। एंड लकीली फॉर मी आई कनेक्टेड वेरी वेल विद द कार्ड्स, एंड अब तो मैं ऐसा दिन जाता नहीं है जब मैं मतलब अपने कार्ड्स के साथ बात नहीं करती हूँ, या उनके साथ कुछ रीडिंग नहीं करती हूँ। तो एंड आई थिंक गुरुजी का आशीर्वाद भी था, उन्होंने ऐसा प्रेजेंट किया कि मैं उस पे टैरो के लिए तो मैं बिल्कुल वो भी थी इमिजिएटली। बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। अच्छा, जैसे कि आप जैसे जैसे जो चीज़ें बता रहे हैं मेरे को, ये चीज़ें बड़ा ही कनेक्ट कर रही है और मैं बड़ा ही एक्साइटेड होता जा रहा हूँ कि मतलब एग्जैक्टली क्या क्या हैं चीज़ें, कैसे हैं। तो सबसे पहले ये बताइए, ये टैरो कार्ड्स होते क्या हैं बेसिकली, मतलब ये हैं क्या टैरो कार्ड्स, अगर टैरो कार्ड्स के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ तो? फर्स्टली, टैरो कार्ड इज समथिंग विच इज नॉट फ्रॉम इंडिया। ये एक यूरोपियन डिवाइनेशन और गाइडेंस टूल है, जो कि हमने अपने इंडियन प्रैक्टिस में बहुत बढ़िया इसको इनकॉर्पोरेट किया है। गुरुजी जैसे और भी आई एम श्योर लोग हैं, बट मैं सिर्फ गुरुजी को जानती हूँ, जिन्होंने इसको हमारी एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट करके, तो ये एक गाइडेंस टूल बन गया है, और हमारे इंडिया में भी बहुत पॉपुलर हो गया है। सो आप अपने डे टू डे लाइफ की, अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आपको लग रहा है कि मैं इस रास्ते जाऊं या मैं इस रास्ते जाऊं, या इज दिस द राइट टाइम फॉर मी टू इन्वेस्ट इन समथिंग, या ये मैं घर खरीद सकता हूँ, या ये लेट्स से एक मैरिज प्रपोजल आ रहा है आपके लिए, क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं है, तो इन सब चीजों के लिए हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है। और आज तक मैंने जितनी भी रीडिंग्स की हैं, कोई भी डिसअपॉइंटेड नहीं रहा है, क्योंकि वो चीज कब वो आई है सामने, जो भी उस बारे में मैंने इशू के बारे में बोला है, वो इशू जरूर आया है सामने। तो इट्स अ डिविनेशन एंड अ गाइडेंस टूल जो हम यूज कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में टू गेट गाइडेंस एंड डायरेक्शन। जैसे कि अभी जो हमारा जो फ्यूचर प्रिडिक्शन वाली अगर बात है, जैसे कि अभी आपने बताया कि हम कार्ड्स की हेल्प से जो फ्यूचर होता है या फिर फ्यूचर की कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स हैं, हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल है? मतलब क्या इसका रीज़न है, लॉजिक है, किस तरीके से ये प्रिडिक्शन करते हैं? ओके सो टैरो जो है, इट इज मेड अप ऑफ 78 कार्ड्स, ओके, जिसमें होते हैं 56 माइनर आर्काना एंड 22 मेजर आर्काना। माइनर आर्काना होते हैं जो कि आपको डेली गाइडेंस के लिए वो करते हैं, दे आर
डिवाइडेड इनटू फोर डिफरेंट पार्ट्स जो कि एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ. हम जब बात, वैसे भी हम किसी भी ऑकल्ट किससे रिलेटेड किसी भी चीज के बात करते हैं तो ये चार एलिमेंट्स हमेशा हमारे उसमें ध्यान में रहते हैं. सो जैसे एयर का जो वो है दैट इज कॉल्ड सोल्स. वॉन्ड्स का जो कैटेगरी है वी कॉल देम सूट्स. तो मैं कैटेगरी इसलिए ताकि दर्शक के लिए थोड़ा सा इजी हो जाए, मैं इस चीज को इसलिए कैटेगरी बोली, बट वी कॉल देम सूट्स. सो देयर इज अ सूट ऑफ एयर, देयर इज अ सूट ऑफ सोल्स, देयर इज अ सूट ऑफ कप्स एंड देयर इज अ सूट ऑफ पेंटिकल्स. सो मैंने आपको बताया कि air is swords, wands is your fire, then cups represent करते हैं water को और pentacles represent करते हैं pentacles को. तो इसमें cards होते हैं ace से लेकर king तक, मतलब जैसे आपके normal playing cards होते हैं वैसा ही है, but हम इनको playing cards नहीं बोलते, हम इससे हम predict, मतलब we do predict. So ace to ten. And then हर सूट का कोर्ट कार्ड्स होते हैं विच स्टार्ट फ्रॉम पेज, जैसे अब जोकर बोलते हैं बट हम पेज बोलते हैं, देन नाइट्स बोलते हैं, फिर क्वींस आता है, फिर किंग्स आता है. सो ये होते हैं हमारे 56 मेजर माइनर आर्काना के कार्ड्स और 22 होते हैं मेजर आर्काना के कार्ड्स. सो माइनर आर्काना कार्ड्स आपकी डेली लाइफ को यू नो प्रिडिक्शन देंगे. आज मुझे इधर जाना है, मेरा इंटरव्यू है, विल आई बी सक्सेसफुल, और ये आप माइनर अरकाना के थ्रू आप पता कर सकते हैं. मतलब हमारी जो डेली लाइफ की चीज है वो माइनर अरकाना के थ्रू हम प्रिडिक्ट करते हैं. बिल्कुल. और मेजर अरकाना है आपकी लाइफ के लॉन्ग टर्म गोल्स. हाँ, लॉन्ग टर्म स्पिरिचुअल लेसन. जैसे आपको पेशेंस डेवलप करनी चाहिए. okay. या आपको किसी चीज की तरफ अगर आप कर रहे हैं तो यू नो यूज योर स्ट्रेंथ, परसिवियरेंस, मतलब आप उस चीज को करते जाइए करते जाइए, एकदम से उसको अग्रेसिव होके मत करिए, पेशेंस से करिए. देन देयर इज कोई एडिक्शन है, इस वो एडिक्शन जरूरी नहीं है अल्कोहल की हो, ड्रग्स की हो. सो दैट इज अ डेथ कार्ड कि आप वो किसी थॉट की भी एडिक्शन हो सकती है, आपकी नेगेटिव थिंकिंग की एडिक्शन हो सकती है. तो ये जो मेजर अरकाना है वो हायर लाइफ लेसन है जो हमें यूनिवर्स जरूर सिखाता है किसी ना किसी सिचुएशन में, और वो सिचुएशन ऐसे पहले हो चुकी होती है इन अ डिफरेंट, लेट्स से घर मूव किया, वहां पे हमारे मूवर्स के साथ लड़ाई हो गई. क्यों हुई? क्योंकि मैंने बिना सोचे समझे ऐसे बात कर दी. हम मार्केट गए, यदि दुकानदार से लड़ाई हो, क्यों हुई? क्योंकि मैंने बिना सोचे बात कर दी. तो दैट इज टेलिंग मी कि आप इस चीज को डिफरेंटली अप्रोच कर सकते थे. तो पेशेंस, या आप एक तरीके से बात करो, यू नो, या किसी के लिए फॉरगिवनेस दो, ऑफर, ओपन योर हार्ट टू बी मोर लविंग. सो वो मेजर अरकाना के लेसन होते हैं. और जब हम इनको साथ रखते हैं तो ये 78 कार्ड्स बन जाते हैं. सो जैसे मैं गई, मैंने मेरा फॉर एग्जाम्पल समबडी इज हैविंग एन अफेयर विच दे वांट टू गेट इनटू, फाइनली वो मैरिज की तरफ उसको करना चाहते हैं. तो अगर दो माइनर आर्काना के आ गए तो वो कहेगा कि हाँ ठीक है, अच्छा चल रहा है. और एक अगर आ जाता है, लेट्स से एक मेजर आर्काना का कार्ड होता है लवर्स करके, मैं आपको दिखाना चाहूंगी. So that is a very good card to get in terms of married life. Okay. So that means कि आपको आपकी married life अच्छी रहेगी. लेकिन अगर वो आ जाता है, I'll just look for that card. लेकिन अगर death का card आता है, उसका मतलब ये है कि ऐसा कुछ negative thinking है आपकी जो आपको change करने की जरूरत है for this रिलेशनशिप. तो ये है लवर्स का कार्ड, विच इज अ वेरी गुड कार्ड अगर आप मैरिज कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं. लेकिन अगर आपको आता है डेथ का कार्ड या डेविल का कार्ड, तो या इस तरह का कोई कार्ड आता है विच इज द टावर कार्ड, ये मेजर अरकाना के कार्ड हैं जिनपे सिर्फ जिनपे नाम भी होता है और नंबर भी होता है. तो ये कार्ड है कि आपकी शायद फाउंडेशन या आपके बिलीफ शेक होने वाले हैं. तो मे बी आपकी रिलेशनशिप जिस फाउंडेशन पे बनी है उसको आपको चेंज करो, या उस बिलीफ को चेंज करो फॉर इट टू बी सक्सेसफुल. सो वो आपका लेसन है. ओके. मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई भी अगर प्रेडिक्शन आ रही है, जैसे कि कोई नेगेटिव प्रेडिक्शन अगर आ रही है, तो उस नेगेटिव प्रेडिक्शन के बेसिस पे हमें अपने बिहेवियर को और अपने थिंकिंग को चेंज करना होगा, राइट? बिल्कुल. हम जिस तरह से उस चीज को अप्रोच करते हैं, हम उसको शायद थोड़ा सा
डिफरेंटली करेंगे तो मे बी वो चीज सक्सेसफुल हो जाएगी. इफ यू वर्क एट इट 3 months फॉर 6 months तो वो चीज हो सकता है सक्सेसफुल हो. सो इस तरह की गाइडेंस मिलती है. तो जैसे मैंने आपको वो दिखाया, ये डिफरेंस है बिटवीन मेजर एंड माइनर. मेजर में नंबर भी लिखा है और नीचे नाम भी लिखा है कार्ड का. माइनर में सिर्फ नंबर लिखा है. और ये जैसे आप ये देख रहे हैं सोर्ड बने हुए हैं. राइट. सो दैट मीन्स इट इज द एट ऑफ सोर्ड्स. ओके, सो दिस इज द मेजर डिफरेंस. यानी कि कोई भी पर्सन अगर आगे कोई भी स्टेप लेने जा रहा है, कोई उसके लिए कोई माइनर स्टेप है या उसके लिए कोई मेजर स्टेप है, तो अगर कोई पर्सन अपने प्रिडिक्शंस करवाता है कार्ड्स के थ्रू, तो उसको आई थिंक बहुत अच्छी गाइडेंस मिल सकती है, जिससे फ्यूचर में होने वाली जो भी छोटी या बड़ी मिस हैपनिंग्स हैं, तो वो उसको कंट्रोल कर सकता है. बिल्कुल, ये चीज तो बहुत ही अच्छी है. मतलब बहुत ज्यादा यूजफुल भी है आई थिंक. मतलब ये चीज तो चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर कोई फैमिलियर पर्सन हो, कोई जो मतलब जॉब होल्डर हो, तो ये चीज तो सभी के लिए आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, तो ये काफी चीजें मुझे समझ में आई यहाँ से. अच्छा, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जैसे कि हम लोग जो टैरेट कार्ड यूज करते हैं, जैसे कि मैंने अभी तक देखा है कि लोग जैसे जब प्रिडिक्शन करते हैं तो प्रिडिक्शन करने से पहले उसको शफल करते हैं. जी, तो ये शफल करने का क्या रीजन है, क्या लॉजिक है? तो बेसिकली जैसे आप मेरे क्लाइंट है, एग्जांपल मैं दूंगी, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी जो आपकी एनर्जीज हैं मेरे कार्ड्स के साथ कनेक्ट करें. आपका जो भी क्वेश्चन है वो आपको अप्रोप्रिएट आंसर मिले. और हम बेसिकली इसको इसीलिए करते हैं कि वो कनेक्शन रहे, मेरा कनेक्शन इससे और आपका कनेक्शन कार्ड से, और वो कनेक्शन के थ्रू ही आपको आंसर्स मिलेंगे. क्योंकि आपका क्वेश्चन कुछ और हो सकता है नेक्स्ट टाइम, जो यू नो मे बी योर सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू योर करियर, द सेकंड क्वेश्चन माइट बी रिलेटेड टू योर मदर्स हेल्थ, यू नो. तो मैंने एक बार वो किया तो वो करियर के कार्ड के हिसाब से वो शफलिंग हो रही है, अपने आप चल रही है. नेक्स्ट टाइम यू टॉक अबाउट योर मदर्स हेल्थ, तो आई वुड वॉन्ट कि आपकी मदर की हेल्थ के हिसाब से ही कार्ड्स आए. राइट, वो कार्ड्स कैसे आते हैं वो मुझे नहीं पता, वो ऊपर वाला जानता है और मेरे कार्ड्स जानते हैं. बट वो उस चीज को रिलेट करने के लिए एंड टू कनेक्ट विद दोस कार्ड्स सक्सेसफुली आई वी शफल द कार्ड्स. ओके, यानी कि हम जितने भी टाइम, सपोज हम वन टाइम पे हम बहुत सारे लोगों की प्रेडिक्शन करने वाले हैं, तो हम जितने टाइम भी किसी की प्रेडिक्शन करते हैं तो हर बार हम उसको शफल करेंगे, ताकि हम उस एनर्जीज को उस पर्सन के साथ कनेक्ट कर पाए. Right. और उनके क्वेश्चन के साथ कनेक्ट करना. ओके, गॉट इट. ओके, अच्छा, ये जो चार्ज करने वाला जो प्रोसेस है, जैसे कि मैंने सुना है कि टैरेट कार्ड हम चार्ज करते हैं, देन उसको हम इजीली कनेक्ट कर पाते हैं, तब उसको कनेक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होती, तो ये चार्ज करने वाला प्रोसेस क्या है? चार्जिंग बेसिकली ये होता है कि जैसे मैंने जब अपने टैरो कार्ड खरीदे गुरु जी की क्लास के बाद, और हमें जब पता चला कि ओके हमारी क्लास इस दिन से शुरू हो रही है, सो हमने कार्ड्स मंगाए. तो नाउ कार्ड्स कम जैसे पैक्ड आते हैं, इट इज इम्पोर्टेंट कि जो रीड करेगा, मतलब मैं, मेरे से सबसे पहले कनेक्ट हो पाए, करेक्ट, ताकि मैं अपने क्लाइंट या जिसको भी रीडिंग ऑफर कर रही हूँ तो मैं अच्छे से कर पाऊँ. सो हम उसको कार्ड्स को हमने बहुत अबाउट 21 days तो मैंने अंडर द सनलाइट रखा, फिर कभी बीच में फुल मून नाइट आती है तो उसमें रखा नहीं, और कभी ऐसा अगर मैंने मिस किया हो किसी दिन, तो जैसे हम सम्रानी यूज करते हैं या धूप यूज करते हैं तो उनके आसपास वो करते हैं ताकि वो चार्ज हो. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं उसको टच जरूर करती हूँ अपने कार्ड्स को, कि मतलब उनको पता रहे कि मेरे साथ कनेक्टेड है. सो दिस इज द रीजन वाई वी चार्ज द कार्ड, सो दैट दे कनेक्ट विद द कार्ड रीडर. सबसे पहले जिसने आपके लिए रीडिंग करनी है उससे कनेक्शन रहे. ओके, तो मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसको चार्ज करना है जो भी कार्ड रीडिंग करने वाले हैं, और उनके साथ इसका कनेक्ट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अच्छा, इसको कैसे होल्ड करते हैं, इसको मतलब होल्ड कर, जैसे होता है ना कि हम कार्ड को कैसे रखें, सेफली कैसे रखें, ताकि इस पर कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो. हाँ, तो मैंने अपने कार्ड्स को जैसे वेलवेट पाउच में रखा हुआ है. इनको मैं हर रोज पहले तो बिल्कुल हाथ साफ करके मैंने जब एक बार और बता दूं, जब मेरे कार्ड आए थे सबसे पहले मैंने महादेव के पीठ पे रखा था. क्योंकि सबसे पहले उनका आशीर्वाद हो, तो मेरे को पता है मेरे कार्ड्स भी चार्ज रहेंगे, मेरी अपनी भी प्रोटेक्शन रहेगी, क्योंकि इस टाइम पे हम एनर्जीज इन्वोक करते हैं. right. वो एनर्जी मेरे पास सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी आए, मैं वही चाहती हूँ. सो मैंने अपने कार्ड्स को जब उसमें से निकाला
तो मैं चार्ज करने एवरी डे आफ्टर आई चार्ज इट या मेरी जब रीडिंग खत्म हो जाती है तो मैंने एक वेलवेट पाउच में रखती हूँ यू नो वो आप नहीं तो आपके पास अगर कोई अच्छा सा कपड़ा हो ट्राई टू यूज सम नाइस कलर्स जैसे ऑरेंज हो गया या पर्पल हो गया जहाँ से जिससे आपकी इंट्यूशन बढ़ती है या यू नो रेड हो गया तो उस तरह से मैं उसको जब रात को हम सोते हैं या जब हम कार्ड्स नहीं यूज करें तो उनको मैं पाउच में रखती हूँ। कभी भी कार्ड्स गंदे हाथों से नहीं टच करना है, मतलब हम किचन में वो कर रहे थे काम कर रहे थे तो वहां से आके हाथ लगा दिया तो कार्ड मतलब बेसिकली हमने इनको ऐसे रिस्पेक्ट देनी है जैसे यू विल गिव टू एनी किसी ह्यूमन बीइंग को भी अगर आप देंगे वैसे ही रिस्पेक्ट देनी है और मैं वैसे ही इनको रखती हूँ। राइट राइट ओके। जैसे कि अगर मान लीजिए सपोज अगर कोई पर्सन है सपोज मैं हूँ या फिर कोई भी पर्सन अगर आपके पास में आते हैं और उनको अपनी रीडिंग करवानी है या फिर कोई प्रेडिक्शन लेना है तो क्या क्या ऐसी चीज है क्या क्या ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि इम्पोर्टेंट है जो कि आपके पास होनी चाहिए जिससे आप प्रेडिक्शन कर पाएंगे। मोस्टली अगर जैसे नाम तो चाहिए ही मुझे ओके राइट और आपकी ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ करना दैट फ्री विल दैट परमिशन फ्रॉम यू कि मैं अपने कार्ड्स चेक कराना चाहता हूँ वो तो मुझे चाहिए नाम चाहिए। कभी कभी केसेस में हम उनकी डेट ऑफ बर्थ भी लेते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत न्यूमरोलॉजी मैं करती हूँ मेरे हस्बैंड न्यूमरोलॉजिस्ट हैं तो मैं उनसे उनके साथ बैठ बैठ के थोड़ा थोड़ा हम भी सीख रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन तो हाँ मैं लेती हूँ। उसके अलावा कोई नहीं आपके अपने क्वेश्चंस हो बेसिकली मैं प्रेफर करती हूँ कि येस नो क्वेश्चंस थोड़े कम हो और व्हाट जैसे मैं आई वांट टू गो फॉर दिस इंटरव्यू व्हाट शुड आई डू विल इट बी सक्सेसफुल येस नो पहले भी आंसर्स देती हूँ बट व्हाट शुड आई डू सो दैट आई कैन मेरा सक्सेस अच्छा हो क्योंकि उस केस में फिर हम उनको रेमेडीज दे पाते हैं। यू नो कि अगर आप उसके लिए जा रहे हैं तो शायद मे बी किसी का बुध वीक है या किसी का शुक्र वीक है तो वो उस केस में इसलिए ओपन एंडेड क्वेश्चंस मांगते हैं कि आप पूछें लेकिन सिर्फ येस नो ना पूछें। ओके अच्छा ये चीज मुझे बताइए जैसे कि जो भी पर्सन जो टैरेट कार्ड की रीडिंग कर रहे होते हैं जो मतलब जो रीडर होते हैं तो उनका इंट्यूशन पावर्स का स्ट्रांग होना इम्पोर्टेंट है। इंट्यूशन हम सब में होती है राइट कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आपको लगा होगा सुबह ऐसी सी थॉट आई होगी कि मुझे आज यहाँ नहीं जाना चाहिए मतलब पता नहीं क्यों जा रहा हूँ बट हम अपनी इंट्यूशन को समझ नहीं पाते हैं। कभी कभी लगता है कि अरे यार वाज आई बीइंग लेजी बट जब हम वहां पहुंचते हैं वो काम शायद होता नहीं है या वो काम उस दिन नहीं होता तो वो आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही थी या आपकी गट फीलिंग बोल रही थी कि मत करो और इंट्यूशन डेफिनेटली हेल्प्स यू बिकॉज इंट्यूशन के थ्रू आप समझ पाते हैं कि कार्ड क्या कह रहा है उस स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए तो इंट्यूशन के लिए आप मेरे हिसाब से इंट्यूशन जरूरी है बट इंट्यूशन को डेवलप किया जाता है हम सबके अंदर वो इंट्यूशन है हमको हमको भगवान ने ही इंट्यूशन दिया है बट हम लोग यूज नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली जिस चीज का यूज नहीं होगा तो वो एक्टिव कैसे होगी तो इंट्यूशन की जरूरत है बट हम उसको डेवलप कर सकते हैं। ओके मतलब जैसे कि अगर रीडिंग करने के लिए बैठे हैं तो उस टाइम पे हमें अपना माइंड बिल्कुल क्लीन रखना होगा और हमारा क्लीन रखने के बाद इंट्यूशन पावर आई थिंक हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। बिल्कुल अपनी थोड़ा मेडिटेशन कीजिए अपने आप को मतलब उस हाई उन एनर्जीज से कनेक्ट करिए कि पॉजिटिव एनर्जीज हो और अगर कोई थॉट आ रहा है दिमाग में प्लीज एक्सप्रेस इट वो आप रियलाइज करेंगे आप जब उसको ज्यादा उसके बारे में और एक्सपैंड करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि वो कनेक्ट किया विद द क्लाइंट जिसके लिए भी आप रीडिंग कर रहे हैं उसके साथ कनेक्ट जरूर करें। ओके जैसे सामने वाले का कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कभी प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं तो सामने वाले के जो भी एनर्जीज है वो काफी नेगेटिव होती हैं तो क्या उनकी नेगेटिव एनर्जी का क्या हमारे ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है? हमारे ऊपर हम शुरू में ही हम तो पहले महादेव को मत्था टेक के बोलते हैं कि आप प्रोटेक्ट कीजिएगा मैंने तो यहाँ पे स्टोन्स भी रखे हुए हैं प्रोटेक्शन स्टोन्स हैं अफेक्ट पड़ता है लेकिन इट इज इम्पोर्टेंट हम कॉर्ड कटिंग करें कि जो भी हम उनकी प्रॉब्लम है हम उससे कनेक्ट ना हम उनको सोल्यूशन दे पाए लेकिन हम कनेक्ट ना करें तो अपने आप को प्रोटेक्शन तो देनी ही पड़ती है और करनी भी चाहिए ऑन अ डेली बेसिस क्योंकि कई बार बहुत लोग बहुत नेगेटिव सिचुएशन से आते हैं कई चैलेंजेस फेस कर रहे होते हैं यू नो और ऐसा
बहुत नॉर्मल है और बहुत ह्यूमन है कि आपको बुरा लगे या यू नो आप, बट हमें बुरा लगने से अच्छा हम अगर हम प्रैक्टिकल रहेंगे और हम अपना हेड लॉजिक से उनको एडवाइस देंगे तो हम उसकी भी हेल्प कर सकते हैं, रादर देन कि हम ये ओ कितना बुरा हो गया मैं, तो हम खुद ही यू नो हम खुद ही वो फील करने लग जाएंगे तो हम उनको अच्छी एडवाइस नहीं दे पाएंगे. right. तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसी उन्हीं चीजों के लिए मेडिटेशन वगैरह है. आप अपना जिस भी गुरु में मानते हैं या जिस चीज को मानते हैं उनसे प्रोटेक्शन मांग के वो जरूर करेंगे. रेकी से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ओके okay. अच्छा जैसे कि अगर मैं आपसे सजेशन लेना चाहूँ, जैसे कि सपोज कोई पर्सन अगर टैरो कार्ड रीडर बनता है या फिर बनने के बाद अगर वो रीडिंग करते हैं तो उस टाइम पे उनको प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या ऐसे इक्विपमेंट्स है जो अपने पास रखने चाहिए कार्ड रीडिंग के टाइम पे? क्रिस्टल्स रखें डेफिनेटली. ओके मेरे पास एमेथिस्ट है, आई हैव दिस ब्लैक टूरमलिन है, मेरे पास क्लियर क्वार्ट्ज है, इनसे मेरी इंट्यूशन भी स्ट्रांग होती है और ये भी क्या कहते हैं प्रोटेक्शन भी ऑफर करते हैं. देन आई हैव मैंने इनफैक्ट लैपिस लजूली भी रखा है जो कि कम्युनिकेशन के लिए okay. कि मैं जो मेरे से जो पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन मैं उनको ढंग से समझा पाऊँ. राइट right? फिर मैंने यहाँ पे मेरे महादेव हमेशा मेरे साथ होते हैं तो मैं इनको जरूर वो करती हूँ. और हाँ मैं क्योंकि मैं महादेव और हनुमान जी में बहुत बिलीव करती हूँ तो हनुमान चालीसा हर रोज करना ये तो हम वैसे भी करते हैं. और हम अगर ये बोले कि मुझे इस टाइम पे आप प्रोटेक्ट करिएगा तो डरने की कोई बात ही नहीं है. ओके एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि काफी सारी चीजें मुझे अभी तक यहाँ समझ में आई है कि ये बहुत ही ज्यादा मतलब लोगों की हेल्प करता है, लोगों की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं. अच्छा अगर जैसे हमें कोई प्रेडिक्शन मिली, हमने कोई भी प्रेडिक्शन लिया आपसे या फिर आपने रीडिंग किया मेरे लिए या किसी भी पर्सन के लिए, तो रीडिंग करने के बाद हमें कोई प्रेडिक्शन मिली, कोई सपोज कोई नेगेटिव प्रेडिक्शन मिली राइट कि कुछ नेगेटिव हो सकता है या फिर कुछ नेगेटिव होने वाला है, तो क्या हमें कोई सजेशन भी कार्ड्स के थ्रू मिल सकता है? बिल्कुल. ओके बिल्कुल. अगर जैसे मैंने मैंने थ्री कार्ड किया, लेट्स से मेरे पास आप आए कोई सोल्यूशन के लिए, ठीक है, कार्ड सारे नेगेटिव आए तो मैं क्या सोल्यूशन दूंगी? आप और भी डर जाएंगे. करेक्ट. तो मैं उनके लिए एक और कार्ड निकालूंगी जब तक कि वो कार्ड पॉजिटिव नहीं आता और मेरे को कुछ गाइडेंस नहीं देता. मैं उनको रेमेडीज दूंगी कि ठीक है प्रॉब्लम है जरूर है लेकिन आप इस चीज को बेटर कर सकते हैं, आप ये रेमेडीज करिए, ये आपके कार्ड देखिए यहाँ तक प्रॉब्लम है लेकिन आपका एक ये जो कार्ड है ये दिखा रहा है कि आगे जाके रास्ता है. यू नो कभी कभी क्योंकि रेमेडीज में मेरा बहुत वैदिक रेमेडीज में मेरा बहुत विश्वास है क्योंकि जैसे हम करते हैं, हम पर्सनली करते हैं बुध की रेमेडी एवरी वेंसडे करते हैं जब हम गाय को जाके चारा देते हैं. बट मैं मेरा हमारा रेमेडीज ये नहीं होता है कि पहली बार जब हम कहते हैं हाँ जरूर इसलिए कहते हैं कि हम अपना बुध ठीक करने जा रहे हैं लेकिन जब हमने उनको चारा खिलाया वो जो जॉय है और जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, अब तो हम सिर्फ इसलिए जाते हैं कि गाय माता को मिलना है. तो उस तरह से रेमेडीज को ये सोच के करें कि ये मेरे लिए बेनिफिशियल है और मैं किसी और की मदद भी कर रही हूँ. यू नो कि जैसे किसी को पानी दे रहे हैं सैटरडे के दिन या फ्राइडे के दिन, मैंने भी तो हेल्प की किसी की बट मैंने ये सोच के नहीं की कि अब क्योंकि यही होता है कि मैंने देना है, अब दिमाग में ये नहीं आता कि ओ मेरा फ्राइडे का अच्छा हो जाएगा या वेंसडे का अच्छा हो जाएगा. तो वो एक थॉट प्रोसेस है जो हाँ मतलब नॉर्मल है, वो आप करते रहेंगे तो आपके दिमाग में भी आ जाएगा. सो अगर नेगेटिव आते हैं तो हम रेमेडीज जरूर देते हैं और ऑफ कोर्स उनको एक रास्ता भी दिखाते हैं क्योंकि कार्ड हमेशा नेगेटिव नहीं आते हैं, वो एक ना एक वो जरूर आएगा कि ये नहीं कर रहे, मतलब वो लाइफ लेसन मेजर अरकाना वाला जरूर आएगा कि अगर ये वाली थिंकिंग ये बदल लें और या अगर ये ऐसा कर लें तो उसके आगे पॉजिटिव ही है. बहुत ही बढ़िया कुहू मैम, आपसे बात करके इतना अच्छा लग रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता कि इतना सारी चीजें जानने को मिल रही है. और अच्छा आप जो भी इस वीडियो को देखेंगे तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सपोज कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टेड होते हैं बट उनके माइंड में बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स होते हैं कि सीखना चाहिए नहीं सीखना चाहिए, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कितना हेल्पफुल हो सकता है वो उनके लिए? ये बहुत हेल्पफुल है. मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगी इफ
आप इंटरेस्टेड हैं और आपका दिल कहता है कि आप करें, वही गट और इंट्यूशन आपकी कह रही है कि करें, तो प्लीज फॉलो योर हार्ट, प्लीज फॉलो योर हार्ट, यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। मैंने टैरो से इतने खुद के लिए, मैं पर्सनल बता रही हूँ, मैं अपनी अपनी जिनके लिए रीडिंग की उनकी बात नहीं बता रही हूँ, मैंने इतने गाइडेंस लिए है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, और वो गाइडेंस मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल रही है। सो मैं उनको ये मैसेज दूंगी कि अगर आपका दिल कह रहा है कि करें तो जरूर करें, और कोई भी चीज करें ना तो फेथ से करनी चाहिए। डाउट्स हैं तो टेक योर टाइम, लेकिन अगर कर रहे हो तो फुल फेथ से करें कि ये चीज आपको रास्ता दिखाएगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं ये डेफिनेटली मैं 100% लिख के दे सकती हूँ कि आप यू विल आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी फॉर द बेटर। वेरी नाइस। मतलब इसको सीखने के बाद बहुत सारे लोग इसको अपनी पर्सनल लाइफ, अच्छा आपको अपनी पर्सनल लाइफ में इससे क्या क्या बेनिफिट्स मिले? मैं कहूंगी मेरे अंदर बहुत पेशेंस आई है। okay. एक जब तक मैंने टैरो किया नहीं था, मैं जैसे आपको बता रही थी, आई बीन वर्किंग फॉर मोर देन 15 इयर्स एंड आई लेफ्ट माय जॉब जब मेरी डॉटर हुई, तो क्योंकि मेरे पास घर पे सपोर्ट नहीं था। मेरी मदर इन लॉ बहुत पहले ही शी हैड पास्ड अवे, सो आई डिड नॉट एंड आई डिड नॉट वांट टू लीव माय चाइल्ड विद अ मेड। तो मैंने वो 11 साल ऐसे बिताए हैं कि जहाँ पे मुझे पता नहीं था, जब आप एकदम सारा दिन काम कर रहे होते हो और उसके बाद कुछ ना हो करने को, आपका वो 3-4 घंटे का काम हो, तो आप सोच सकते हैं कि कैसा रहेगा। तो मेरी लाइफ में मुझे ऐसा लगता था कि डायरेक्शन नहीं है, और जिस दिन मैंने ये बात सुनी, एक अंदर जो होता है ना एक पीस कि यस मेरा एक हायर पर्पस है। आई एम समबडी हु यूज्ड टू थिंक अबाउट दिस कि मेरा हायर पर्पस क्या है लाइफ में, बट मैंने टैरो से ये हायर पर्पस मुझे मिला है। सो पीपल, मैं तो मतलब हर चीज के लिए गाइडेंस देती हूँ। मैं आज मेरी बेबी, अगर जैसे फेब के मंथ में मेरी डॉटर की काफी तबीयत खराब रही है, काफी रही है, और मैंने उस वक्त गाइडेंस दिया और मुझे कार्ड्स ने क्लियरली बोला वेट इट विल गेट बेटर एंड 27th ऑनवर्ड्स टच वुड शी स्टार्टेड गेटिंग बेटर। वेरी नाइस। तो दैट्स जस्ट एन एग्जांपल, और ऐसे बहुत मेरे पास इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे टैरो ने मेरी बहुत हेल्प की है। ये मेरे कार्ड्स नहीं है, ये मेरे गाइडेंस और ये मेरे फ्रेंड और ये मेरे सपोर्ट सिस्टम है। यानी कि पेशेंस लेवल बढ़ सकता है। मतलब हम क्या होता है कि हम कभी कभी परेशान हो जाते हैं किसी सिचुएशन को लेकर के, कि हमारे सामने कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आ रही है और हम उसको देख करके परेशान हो गए, बट अगर हमारे पास में अगर टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग में पता चल जाता है कि फ्यूचर में ये सोल्यूशन हो सकता है, तो आई थिंक हम पेशेंस लेवल अपना मेंटेन कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कू मैम, बहुत अच्छा लगा, सब कुछ बहुत ही बढ़िया लगा। और लास्टली हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे इंस्टीट्यूट के साथ आपका सफर कैसा रहा और क्या आप मैसेज देना चाहेंगे इंस्टीट्यूट के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए। मेरा सफर इंस्टीट्यूट के साथ बहुत अच्छा रहा है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। मेरे को इंस्टीट्यूट से ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं जो मैंने शायद, अगर मैं कहूँ तो मैंने 6-8 महीने पहले सोचा भी नहीं था कि ये अपॉर्चुनिटी कि मेरे अंदर है, मेरे अंदर ये एक तो मेरे को एक एक्सपर्टीज दिया, मेरे इंटरेस्ट को स्किल में किया, और उसके बाद अपॉर्चुनिटीज दी जो आई हैड नॉट इवन थॉट अबाउट इट इन माई ड्रीम्स। सर से हम जब भी, सर हमारे क्लास में जब भी आते हैं थे, तो ऐसा लगता था कि आज का दिन तो बस मजे आ गए। द फैकल्टी हैज बीन वेरी गुड, जैसे अब रितिका मैम है और इन लोगों से बहुत कॉन्स्टेंटली बात होती थी, तो उन्होंने उनकी भी मतलब मेरे को कभी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है कि मेरे को कभी शिकायत का मौका मिला। अगर कोई चीज में कभी कभी एक बार कभी कोई डिले हुआ है, मैम से आंसर जरूर आया कि मैं ये कर रही हूँ मैम, मैं कर दूंगी। सो मेरा तो इंस्टीट्यूट, आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू कश्यप सर कि उन्होंने वो प्रेजेंटेशन उनकी मैंने देखी, मेरे को तो डायरेक्शन मिली है लाइफ में, तो मैं तो मेरे लिए इंस्टीट्यूट के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बहुत ही बढ़िया मैम, आज के स्टॉक से बहुत सारे लोग इंस्पायर होने वाले हैं, और मैं बिल्कुल मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वाकई में बहुत सारे लोग इंस्पायर होने वाले हैं और बहुत सारे लोग इसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करने वाले हैं। सो हम एक्सेप्ट कर, मतलब हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में हम आपके साथ दोबारा जब कनेक्ट करेंगे तो और भी नई नई इन्फॉर्मेशन के साथ
सबको एक नए नए मैसेज के साथ हम लोग को मैसेज देने वाले हैं। तो बहुत अच्छा लगा आज के स्टॉक में, तो आज का हमारा जो टॉक है वो हम लोग यहीं पर ही रखते हैं, और बाकी हम लोग जल्दी मिलते हैं, जल्दी कनेक्ट करते हैं और भी नए क्वेश्चन आंसर्स के साथ में, कुछ ऐसी चीजें, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड फॉर कनेक्टिंग विद मी। या थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, टेक केयर।